सोमवार मंगलवार की रात करीब 12:20 को रेलवे पुलिस बल ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची विशाखापट्टनम नई दिल्ली एक्सप्रेस की एक आरक्षित बोगी से 1,27,470 रुपए का गांजा बरामद किया। गांजा सीट के नीचे रखे दो बैग में भरा हुआ था। रेलवे पुलिस बल को सूचना मिली थी कि विशाखापट्टनम नई दिल्ली ट्रेन से गांजे की तस्करी की जा रही है। आरक्षक वबन मौर्य, भागवत बाजर व मुकेश चौहान ने प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के रुकते ही S2 बोगी में प्रवेश किया और सीट क्रमांक 65 के नीचे रखी दो लावारिस बैग बरामद की। ट्रेन नंबर 02851 स्वर्ण जयंती विशाखापट्टनम से हजरत निजामुद्दीन नागपुर स्टेशन पर आने के बाद ड्यूटी स्टाफ आरक्षक बबन मौर्या, आरक्षक मुकेश चौहान तथा आरक्षक भागवत बाजड़ को सूचना मिली कि ट्रेन के S2 कोच में सीट नंबर 65 के नीचे दो लावारिस बैग रखे हुए हैं। सूचना के अनुसार उक्त तीनों स्टाफ ने ट्रेन में प्रवेश करके बैग के बारे में पूछताछ किया, किसी ने भी मालिकाना हक नहीं जताया, इसलिए बैग को चेक करने पर बैग में गांजा जैसी गंध आने की सूचना मिली, जिसकी सूचना कंट्रोल के माध्यम से शिफ्ट इंचार्ज उप निरीक्षक विजय पाल को दी गई, जिसके अनुसार बैग चेक किया गया तथा बैग को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नीचे उतारा गया, जिसमें दो सरकारी पंच तहसीलदार के समक्ष बैग का पंचनामा किया गया। दोनों बैग के अंदर कुल लगभग 12.747 किलोग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 1,27,700 रुपये के समथिंग है, को NDPS एक्ट के तहत सीज किया गया। उपरोक्त कार्रवाई श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री आशुतोष पांडे साहब के मामले में पूरी की गई। बैगों से गांजे की महक आ रही थी, तुरंत RPF कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी गई। पश्चात बैग ट्रेन से उतारकर प्लेटफॉर्म पर रखे गए। जांच पड़ताल में दोनों बैग से 12,747 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। बैग से कुछ कपड़े भी बरामद हुए। बाजार में गांजे की कीमत 1,27,470 रुपए बताई जा रही है। जब्त गांजा पंचनामे के बाद लोहामार्ग पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जांच जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ तिशा हटवार, BC News नागपुर।